वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबले। बांग्लादेश की बैटिंग जारी, 130 से ज्यादा रन पर चार बंगाली खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पहले ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने तंजीद हसन को LBW किया। 6 के मजमूई स्कोर पर नजमुल हसन को भी पवेलियन की राह दिखाई। 23 के मजमूए पर हारिस रऊफ ने मुशफिक और रहीम के विकेट लिए। सेनेटर रजा रबादी ने निगरान पंजाब हुकूमत के बजट को गैर आईनी करार दे दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऐलान करे कि इलेक्शन कब होने हैं। अगर इलेक्शन जनवरी या फरवरी में नहीं हुए तो एक और आईनी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। निस्फ सेनेट की मुद्दत मार्च में खत्म हो जाएगी। चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन सेनेट समेत निस्फ अरकान सेनेट रिटायर हो जाएंगे। आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम उनकी मुआवनत करेंगे। हम भी वोट डालने के लिए बेकरार हैं, चाहते हैं मुस्तकिल हुकूमत आए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, किसी जमात पर पाबंदी लगाना हमारा मैंडेट नहीं। बतौर जमात PTI पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं है। मजीद कहा कि किसी के इमलाक पर कब्जा करना या हथियारा हमारा मकसद नहीं। कोई मुल्क बगैर दस्तावेजात किसी को रहने की इजाजत नहीं देता। स्मगलिंग पर सख्ती की तो डॉलर नीचे आया, सनतें चलना शुरू हो गई। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में स्मगलिंग के खिलाफ सख्ती की है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के रजाकाराना इनखला के लिए 1 नवंबर को डेडलाइन खत्म हो रही है। सरफराज बुगटी कहते हैं, 2 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने बड़े लंबे अरसे तक मुहाजरीन की मेहमान नवाजी की। कानूनी तौर पर मुकीम किसी भी मुहाजिर को पाकिस्तान से निकाला नहीं जा रहा। पाकिस्तान से सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को निकाला जाएगा। उन अफराद को अपनी मर्जी के बॉर्डर से डिपोर्ट किया जाएगा। रजाकाराना तौर पर वतन वापसी के लिए आज और कल का दिन है। नए तरमीम केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। आइंदा समाअत तक एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया गया। अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन PTI को जेल में फराहम करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला अभी नहीं आया। तफसीली फैसला आने के बाद नैब तरमीम इंट्रा कोर्ट अपील दोबारा मुकर्रर की जाए। चेयरमैन PTI को नोटिस जारी। अटर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी। मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की सीनियर क्यादत के साथ मुशावरत। जाति उम्रा में आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर शरीक हुए। सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात समेत दीगर अहम अमूर पर गौर किया गया। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने पर तबादला ख्याल। पार्टी की इंतखाबी मुहिम के आगाज, इंतखाबी मंशूर पर तफसीली मुशावरत एजेंडे में शामिल। नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों का इब्तदाई शेड्यूल पेश। सूबाई सदूर के पेश करदा मुमकिन इंतखाबी उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ को बड़ा सियासी झटका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एक और साथी साथ छोड़ गया। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फैसला। गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन, अलीम खान और ऑन चौधरी से मुलाकात। गुलाम सरवर खान आइंदा चंद रोज में टैक्सिला में अवामी इज्तिमा में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंसेस का दोबारा आगाज। तलबी के नोटिस जारी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 29 नवंबर को तलब कर लिया। जो मेरा सियासी फैसला है वही राशिद शफीक का फैसला है। हम अजीम फौज के साथ हैं और 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं। शेख रशीद का अपने भतीजे शेख राशिद शफीक के साथ वीडियो पैगाम। कहा, मैं रावलपिंडी की दोनों निश्चितों से
कलम दवात पर इलेक्शन लड़ूंगा। राशिद शफीक अवामी मुस्लिम लीग का हिस्सा है और मेरे साथ है। और वर्ल्ड कप के दौरान चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का इस्तीफा, तहकीकती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। तहकीकत मुकम्मल करने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन जका अशरफ को जमा कराएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तहकीकत जल्द मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद। तहकीकती कमेटी की जानिब से एक हफ्ते के अंदर तहकीकत मुकम्मल करने का इम्कान। इंजमामुल हक का एक कंपनी के साथ शेयर होल्डर होने का मामला सामने आया था।